गाइस, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टेक पिक। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटर्नल रैम को उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ में ही जो कंप्यूटर के अंदर या जो भी रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में बताऊँगा। और इसको स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए फॉर मोर प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये मेरा पीसी है, तो इस पीसी पे मैं चेक करूँगा कि कितनी रैम है और इसमें एक्सटर्नल रैम भी लाऊँगा। तो मैं अपने पीसी की स्क्रीन पे आ गया हूँ। ओके, तो इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर के हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को शॉर्टकट कीज़ भी होती है, विंडो प्लस पॉज करके भी आप प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसमें 2GB रैम है सिस्टम के अंदर। तो बट यहाँ पर जो रैम का टाइप है वो यहाँ पर नहीं आपको मिलता है। तो उसको चेक करने के लिए कौन सी टाइप की रैम है, DDR1, 2, 3, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पेकी। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें इस सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो इसको मैंने ओपन किया अभी। तो इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो रैम है कौन से टाइप की रैम है, 1, 2, 3, DDR1, 2, 3। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेमोरी स्लॉट हैं मेरे मदरबोर्ड के अंदर, तो ये टोटल स्लॉट कितने हैं, 4 हैं, जिसमें से एक पर रैम लगी है, तो 3 स्लॉट फ्री हैं। और यहाँ पर टाइप भी बता रहा है कि कौन से टाइप की रैम है, तो जो हमने देखना था DDR3 रैम है सिस्टम के अंदर। ओके गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि रैम की फ्रिक्वेंसी कितनी है मेगाहर्ट्ज़ में, या सिस्टम की जो भी हिडन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उन सभी प्रॉपर्टीज़ को इसके थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। तो गाइस, अब मैं रैम की जो परफॉर्मेंस है उसको देख रहा हूँ टास्क मैनेजर में जाकर के। तो टास्क मैनेजर में जाकर के ये मेमोरी है, ये रैम है। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैंने कोई ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इसमें चलाया नहीं है, कोई रन नहीं किया है, तब भी ये इतनी रैम यूज़ कर रहा है। तो इसकी रैम को मैं बढ़ाऊंगा अभी, एक्सटर्नल रैम को लगा करके। तो गाइस, मैंने अपना ये जो CPU है इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रैम है। इस रैम के लेबल के ऊपर भी आप पता कर सकते हैं कि इसमें कौन से टाइप की रैम है। तो ये DDR3 रैम है और 2GB है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू देखा था कि इसमें 4 स्लॉट हैं, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड स्लॉट पे इसमें पहले ही 2GB की रैम मैंने लगाई दी है। तो जो ये एक्सटर्नल रैम है तो इसको मैं भी लगाऊंगा। तो रैम को लगाने से पहले जो इसके अंदर ये बीच में होल होता है, तो इसका ध्यान रखें कि ये ही होल जो स्लॉट के ऊपर है तो उसके ऊपर ये बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। और ये मैंने लॉक जो होते हैं स्लॉट के उसको ओपन कर लिया है। अब क्या करना है इसको लगाने के लिए, इस रैम को मैं स्लॉट के ऊपर रखूँगा और इसको प्रेस करूँगा। लॉक को प्रेस नहीं करना है, अपने जोर से रैम को प्रेस करना है दोनों साइड से, और ये लॉक लग गया है। अगर गाइस, अगर आप एक साइड का लॉक लग जाता है, एक साइड का नहीं लगता है, तो सिस्टम में डिस्प्ले तो आ जाती है बट वो स्लो चलता है, इस बात का भी ध्यान रखें आप। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रैम्स है इसमें इंसर्टेड कर दिए हैं, अभी 4GB रैम हो गया। तो अब हम इसको सिस्टम में भी चेक करेंगे कि ये सिस्टम में 4GB रैम आ गई है। तो रैम की जो फुल फॉर्म होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब तक सिस्टम ऑन होता है तब तक इसमें डेटा रहता है, जैसे ही सिस्टम शट डाउन होता है तो इसके अंदर डेटा नहीं रहता है। और जो रैम के टाइप्स हैं, DDR1, 2, 3 एंड 4, जो DDR1 है उसका तो टाइम चले गया तो उसको अभी यूज़ नहीं करते हैं, और DDR2 है तो ये सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कोर, 2DU, ड्यूल कोर, i3 से जो पहले वाले सिस्टम है उनमें यूज़ किया जाता था, कर भी रहे हैं। और जो DDR3 है इसको हम i3 एंड i5 सिस्टम से यूज़ कर रहे हैं।
और गाइस इसमें साथ में ही जो DDR4 रैम है, 4 रैम आपको i7 सिस्टम में देखने के लिए मिलती है, बट i7 में भी DDR3 रैम भी होती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि रैम्स के तो अभी हम चेक करेंगे सिस्टम के अंदर जो हमने एक्सटर्नल रैम लगाई है, तो उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ को ओपन करके तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले 2 GB रैम थी, अब 4 GB रैम इसमें हो गई है। और साथ में ही हम इसकी सिस्टम में जो परफॉर्मेंस है रैम की, उसको भी चेक कर लेंगे टास्क मैनेजर में जा करके। और यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं जो रैम की। वाइज ये तो था पीसी में, पर लैपटॉप में कैसे करते हैं, लैपटॉप का मैं आपको बता देता हूँ कि लैपटॉप को बैक साइड से इसमें स्क्रू होता है, तो स्क्रू के थ्रू इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो आपको रैम दिख जाती है। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास सिस्टम में एक ही रैम है या उसमें एक्सटर्नल ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसको ईजीली कर सकते हैं। तो लैपटॉप में भी बड़ा ईजी है रैम को एक्सटेंड करना। या तो मेन थिंक गाइज ये है कि अगर रैम आपकी रैम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कैसे पता लगता है कि रैम में फॉल्ट है? तो उसका है कि अगर रैम में फॉल्ट है तो डिस्प्ले नहीं आती है, मेन थिंग। अगर रैम ख़राब है तो डिस्प्ले नहीं आती है, बस इतना ही है। ओके गाइस। ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर प्रैक्टिकल नॉलेज। टेक केयर, बाय बाय।